नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अभिषेक चौहान एक बार फिर से देसी इकोनॉमिस्ट हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बिना देर किए हुए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की ओर। पहला सेगमेंट है हमारा कि पहली बार G20 की तिकड़ी ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठा सकती है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। आपको बता दें कि नेटवर्क 18 के साथ एक विशेष साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह पहली बार है कि G20 ट्रोइका में ग्लोबल साउथ के 3 देशों इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील को शामिल किया गया है और इससे विकासशील दुनिया के हितों को काफ़ी बढ़ावा मिल सकता है। G20 ट्रोइका पूर्व, वर्तमान और आने वाले G20 राष्ट्रपति पद के आधार पर 3 देशों का एक समूह है, जबकि भारत में वर्तमान 20 शीर्ष इकोनॉमिक एक ग्रुप्स का अध्यक्ष भी है। इससे पहले इंडोनेशिया था और ब्राज़ील इसका स्थान लेगा। G20 के इतिहास में पहली बार ट्रोइका में विकासशील दुनिया के देश इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह तिकड़ी ऐसे महत्वपूर्ण समय में विकासशील दुनिया की आवाज़ को बुलंद कर सकती है जब वैश्विक भू राजनीति के कारण तनाव बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत ने ग्लोबल साउथ की वकालत की है और G20 सहित सभी बहुपक्षीय मंचों पर अपनी चिंताओं को उठाया है। हमें इन देशों से सहानुभूति है, हम उनके लक्ष्यों को समझते हैं क्योंकि हम भी गरीब दुनिया से आते हैं। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड सेगमेंट की ओर। हमारा सेकंड सेगमेंट है, यूको बैंक के अश्विनी कुमार के अनुसार UPI पर प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन ट्रांजैक्शन को स्पीड देने में आगे हेल्प करेंगी। यूको बैंक के MD और CEO अश्विनी कुमार के अकॉर्डिंग 5 सितंबर को रिजर्व बैंक के कदम से बैंकों को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI प्रणाली पर प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइनों का विस्तार करने की अनुमति मिली, जिससे ट्रांजेक्शन्स में स्पीड लाने में मदद मिली। हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के आंकड़ों के मुताबिक UPI लेनदेन के महीने में 10 बिलियन तक पहुंच गया है और अगले 18 से 24 महीने में इसके 20 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। अश्विनी कुमार ने 3 दिवसीय ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में एक पैनल चर्चा के दौरान कहा कि हालांकि RBI द्वारा UPI के लिए उपलब्ध क्रेडिट लाइन की घोषणा के साथ मेरा मानना है कि वे दिन दूर नहीं जब ट्रांजेक्शन आगे और भी तेज और भी गति से चलेगा, क्योंकि यह लंबे समय से ग्राहकों की एक इच्छा भी रही है और एक बार यह उपलब्ध हो जाने के बाद UPI को बड़े पैमाने पर अपनाया भी जाएगा। उन्होंने कहा कि बैंकों को अपने ग्राहकों को इसे उपलब्ध कराने के लिए प्रौद्योगिकी में निवेश भी करना चाहिए। सोमवार को शीर्ष बैंक ने घोषणा की कि UPI सिस्टम लेनदेन के लिए बैंकों द्वारा दी गई पूर्व अनुमोदित क्रेडिट लाइन को भी शामिल करेगा। पहले UPI सिस्टम का उपयोग करके केवल जमा राशि का ट्रांजेक्शन किया जा सकेगा। पहले UPI सिस्टम का उपयोग करके केवल जमा राशि का लेन देन किया जा सकता था। RBI ने कहा कि सुविधा के तहत व्यक्तिगत ग्राहक की पूर्व सहमति से अनुसूचित कमर्शियल बैंक द्वारा व्यक्तियों को जारी प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन के माध्यम से भुगतान UPI सिस्टम का उपयोग करके लेन देन के लिए सक्षम किया जाता है। कुमार ने आगे कहा कि भारत सीमा पर लेन देन और रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर चर्चा हो रहा है और भुगतान बैंक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल ने अपने IPO से पहले एंकर बुक के जरिए 260.72 करोड़ रुपए जुटाए हैं। जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल ने IPO की शुरुआत से पहले 5 सितंबर को योग्य संस्थागत खरीदारों यानी QIB की एंकर बुक के माध्यम से 260.72 करोड़ रुपये जुटाए। एंकर बुक ने 39 निवेशकों को आकर्षित किया, जिनमें सिंगापुर सरकार, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, फिडेलिटी फंड्स, गोल्डमैन सैक्स, नोमुरा फंड्स, HSBC ग्लोबल, फ्लोरिडा रिटायरमेंट सिस्टम और नेटेक्सिस इंटरनेशनल फंड्स इंक्लूड हैं। एंकर बुक में घरेलू निवेशकों में SBI म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल, निपॉन लाइफ, HDFC म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी, UTI म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल MF, HDFC लाइफ इंश्योरेंस और SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी शामिल हैं। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड सेगमेंट की ओर, जो है आखिरी दिन बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो IPO को 286.69 गुना सब्सक्राइब किया गया। बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी IPO को 286.69 गुना अधिक सब्सक्राइब किया गया था, जिसमें 146.06 करोड़ इक्विटी शेयरों के लिए बोलियां 50.96 लाख शेयरों से अधिक थी। HNI और खुदरा निवेशकों ने इस मुद्दे में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आरक्षित भागों को क्रमशः 550.89 गुना और 415.3 गुना बुक किया गया, जबकि योग्य संस्थागत खरीदारों QVI ने आवंटित कोटा से 116.3 गुना शेयरों के लिए निवेश किया। चेन्नई स्थित कंपनी की
68.40 लाख शेयरों की सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से 66.35 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इस इशू में मार्केट मेकर के लिए 10.26 लाख शेयर आरक्षण शामिल किए गए। शेष 58.14 लाख शेयर शुद्ध इशू थे। वहीं QBI को 50% आरक्षण प्राप्त हुआ, HNI को 15% और खुदरा निवेशकों को शेष 35% प्राप्त हुए। अब बढ़ते हैं अपने चौथे सेगमेंट की ओर, जो है बिरला कॉरपोरेशन को उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में विक्रम कोयला खदानों में खनन शुरू हो जाएगा। बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हर्ष लोढ़ा ने 5 सितंबर को कहा कि विक्रम में उसकी कोयला खदानों में खनन चालू फाइनेंशियल ईयर के अंत में शुरू हो जाएगा। कंपनी की वार्षिक आम बैठक यानी AGM के दौरान लोढ़ा के अनुसार मार्की वर्का में खनन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में शुरू करने की योजना है। एक बार चालू होने के बाद ये खदानें न केवल कंपनी को ईंधन पर पैसा बचाएंगी बल्कि कंपनी को उच्च स्तर की ईंधन सुरक्षा भी प्रदान करेंगी। इन कोयला खदानों के चालू होने से हमारे पास इनमें से एक होगा। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में हम आपको इसी तरह स्टॉक मार्केट क्रिप्टो से जुड़े हुए वीडियो और अपडेट्स देते रहें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।